चेयरमैनी का चुनाव कहीं ना कहीं पास है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, नगर निकाय के चुनाव हैं और सभी लोग, सभी पार्टियां उत्साहित हैं। हमारी पार्टी ने भी ऐलान किया है कि वो अब की बार पार्टी चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ेगी। खास तौर से जिस जिले में मैं रहता हूँ और जिस जिले में मैं हूँ यहाँ पर, तो उस जिले की मैं बात आपसे करता हूँ। हमारी इलेक्शन कमीशन से सबसे पहले ये गुजारिश है कि चुनाव जैसा पिछला चुनाव हुआ है, अगर ऐसा ही ये चुनाव हो तो गुजारिश ये है कि ये चुनाव ना हो तो बेहतर हो, और इलेक्शन कमीशन अपने हिसाब से जिसको चेयरमैन बनाना चाहे, जिस पार्टी को जिताना चाहे, वो जिता के सर्टिफिकेट पहले से दे दे। पब्लिक का रोल रखे ही नहीं। अगर चुनाव की प्रक्रिया हिंदुस्तान के लोकतंत्र के हिसाब से होती है तो हम इस चुनाव में जरूर भाग लेंगे। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि खासतौर से रामपुर की नगर पालिका, जो कि पिछले 5 साल में खूनी नगर पालिका बनी रही, और उस नगर पालिका खूनी चेयरमैन जिसने वो सब आदेश अपने आका के कहने पे दिए, जो कि सिर्फ रामपुर की पब्लिक को तबाह और बर्बाद किया गया, कहीं के घर उजाड़े गए, कहीं की दुकानें उजाड़ी गई, कहीं घर रोजी रोटी छीन ली गई, ऐसी नगर पालिका से रामपुर वालों से मेरा ये कहना है कि अब वक्त आ गया है ऐसी खूनी नगर पालिका से बदला लेने के लिए और ऐसे खूनी चेयरमैन से बदला लेने के लिए। आप लोग एक मक्त होके बहुत खूबसूरती के साथ बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट जिताएं और उस अपने जो आपके ऊपर जुल्म हुआ है उस जुल्म का बदला लें। सीएम मुरादाबाद में आए थे और इन लोगों ने उनका बहिष्कार किया था, तो उसके बारे में आपको क्या? देखिए, बहिष्कार क्यों किया उसकी वजह आपको पहले जानना होगी। शायद आपकी नॉलेज में नहीं है, सीएम के मुरादाबाद आने में एक प्रोग्राम और शामिल था कि उनको अम्बेडकर साहब की मूर्ति का माला अर्पण करना था। वो नहीं करने की वजह से रोष्ट हुआ दलित समाज में। यही चीजें हैं कि मीडिया वो चीजें नहीं दिखा रहा है जो असल वजह है। मीडिया ने सिर्फ ये दिखाया कि सीएम का विरोध किया दलित समाज ने, क्यों किया ये नहीं बताया। दलित समाज ने विरोध इसलिए किया सीएम साहब का कि सीएम साहब को अंबेडकर साहब की मूर्ति पे माला अर्पण करना था, जो कि उन्होंने अपने प्रोग्राम में से काट दिया, उसको खत्म कर दिया। वहां दलित समाज इकट्ठा हुआ हुआ था पहले से सीएम साहब के स्वागत में। जब दलित समाज को ये मैसेज गया कि सीएम ने मना कर दिया है अंबेडकर साहब की मूर्ति पे माला अर्पण करने के लिए, जब दलित समाज के अंदर रोष पैदा हुआ तो वहां से उन्होंने और जिसके सिलसिले में सीएम साहब ने गरीब दबे कुचले लोगों को इतना पिटवाया पुलिस से, इतना लाठीचार्ज करवाया कि आज उसमें से कई लोग जख्मी हैं और अस्पताल में मुरादाबाद में एडमिट। वो तो ये कह रहे हैं हम सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं। बहुत सबका विकास हो रहा है, आप देख रहे हैं सहारनपुर में कितना अच्छा विकास हो रहा है, और जगह आप देखिए कहां कहां दलित और मुसलमानों पे जुल्म नहीं हो रहे, हर जगह जुल्म हो रहे हैं। कुछ मुस्लिम नेता इस तरीके से बिके हुए हैं जो कि सिर्फ मुसलमानों को सिर्फ बेचने का काम कर रहे हैं। आजम खान साहब का कोई बयान नहीं आ रहा है अब सीएम के खिलाफ, वो सिर्फ अपनी डुकडुकियां बजा रहे हैं, सिर्फ अपने काम ले रहे हैं। आज मुस्लिम समाज के लिए आजम खान साहब का कोई बयान नहीं है। तो आपकी पार्टी दलितों के साथ है? जी बिल्कुल है, बहन मायावती ने जाके साबित कर दिया इस बात को सहारनपुर में रोड शो करके और सभा करके। वो गई पीड़ितों के घर, गई पीड़ितों के घर जाके उन्होंने एक एक आदमी से मुलाकात की है, इसी यही संदेश देने की कोशिश की कि पूरा बहुजन समाज पार्टी दलित और मुस्लिम वर्ग के साथ है, जो दबे कुचले कमजोर लोग। साहब ये बताएं कि सहारनपुर में जो दलित समाज का उत्पीड़न हो रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो पहले से तय था। बीजेपी का मंसूबा क्या था? हर उस वर्ग के लिए जो दबा कुचला कमजोर है उसके लिए ये सारे मंसूबे पहले से आरएसएस के तय थे। आरएसएस के मंसूबे इस हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए, हमने पहले भी कहा था, बहुत ज़्यादा खतरा है इस संगठन से हिंदुस्तान के लोकतंत्र को। इनकी सोची समझी साजिशें हैं, इनका सारे मंसूबे तय थे। जिस तरीके से दलित समाज का उत्पीड़न किया जा रहा है, वहाँ कत्लोगारत किया जा रहा है, ऐसे ऐसे वाकये नज़र के सामने से गुजर रहे हैं सोशल मीडिया पे। मीडिया तो दिखा नहीं रहा है क्योंकि मीडिया बिका हुआ है, जो सोशल मीडिया है उस पे ऐसे ऐसे वाकये गुजर रहे हैं आंखों के सामने से कि देख के रोंगटे खड़े हुए जा रहे हैं। महिलाओं के हाथ काट दिए गए, महिलाओं की छातियां काट दी गई, बहुत सारे ऐसे दर्दनाक वाकये। तो कहने से मकसद ये है कि जब जब बीजेपी की सरकार हिंदुस्तान पे काबिज हुई है, करीब
दबे कुचले लोगों पे जुल्म हुआ है, अल्पसंख्यक पर जुल्म हुआ है, जो कुछ गरीब वर्ग है उनके पर। अच्छा, बहन कुमारी मायावती दी भी गई है वहाँ पर, तो उनके बारे में उन्होंने क्या आश्वासन दिलाया वहाँ के लोगों? देखिए, बहन मायावती जी हमेशा से दलित और मुस्लिम समाज की हितेशी हैं, उन्होंने हमेशा से उनके लिए काम किया है, उनको ताकत देने का काम किया है, माननीय काशीराम जी की सारी दिली ख्वाहिशों को आगे बढ़ाने का काम किया है मायावती जी ने। जब इस समाज पे उन्होंने देखा कि इस तरीके की जाति की जा रही है, तो वो एसी कमरों में ना बैठ के सड़क से उतरने का उन्होंने काम किया अपने समाज के लिए, और उस समाज को ये संदेश देने की कोशिश करी सहारनपुर जाके कि तुम अकेले नहीं हो, पूरी बहुजन समाज पार्टी तुम्हारे साथ। ठीक, किस मुद्दों को लेकर पब्लिक में जाएगी? देखिए, हमारी पार्टी के मुद्दे विकास के होंगे। जो 5 साल इस शहर में तांडव रचा गया है नगर पालिका की तरफ से, उसके खिलाफ होंगे। जो जुल्म और ज़ाती गरीब गुरबाओं के साथ हुई है, उनको इंसाफ दिलाने का मुद्दा होगा, विकास का मुद्दा होगा, और कंक्रीट के विकास से ज़्यादा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा इंसानी विकास का, जो कि इन 5 सालों में मर गया था, उसको दफन कर दिया गया था। हम कंक्रीट के विकास को विकास नहीं मानते हैं, हम इंसानी विकास को विकास मानते हैं। हम सबसे पहले इंसानी विकास करेंगे, उनके लिए रोजगार और उनके लिए रोजगार के रास्ते बनाए जाएंगे, हम इसको विकास मानते हैं, हम इसको मुद्दे पर काम करेंगे।